भजन संहिता अध्याय 44। भजन संहिता अध्याय 44। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना है, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा दे। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहेंगे और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे, परंतु तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मनमाने लूटमार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तीतर बीतर करता है। तू अपनी प्रजा को सेंतमेंत बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों से हमारी इनामधराई करता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्टा करते हैं। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है और कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से और शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण यह सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझसे नहीं भूले। न तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है, न हमारे मन बहके, न हमारे पैर तेरी बाट से मूढ़े, तो भी तूने हमें गिद्धों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते व किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है, परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो बध होने पर है। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? हमारा प्राण मिट्टी से लग गया है, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले।